देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा दावा, हमारे संपर्क में दूसरे दल के कई विधायक हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन फ्लॉप रहा है और देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है। उनका ये भी दावा है कि हमारे संपर्क में दूसरे दल के कई विधायक भी हैं। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह दावा किया है कि दूसरे दल के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस ने भी कल चुनावी संक्रांत कर दिया है कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून आए तो उन्होंने भी चुनावी संक्रांत किया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा कहते हैं कि वो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं और उनका कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। तो महेंद्र भट्ट जी मेरे साथ हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, तो उन्हीं से बात करते हैं। कल जो एक इनका पॉलिटिकल शो था, कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कार्यकर्ता जो होता पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहता है, लेकिन जब खड़गे जी का भाषण चल रहा था और आप ही चैनलों में जब मैं उसको देख रहा था तो सारी कुर्सियां खाली थी, तो किराए की भीड़ थी और फ्लॉप होना लाजमी था, क्योंकि आम जनता आज मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं उस पर जनता का समर्थन को प्राप्त हो रहा है। खड़गे जी का वहां पर आना ठीक है, मुख्य विपक्षी दल है, देश का भी प्रमुख विपक्षी दल है, हमको भी लगता था कुछ ऐसे इश्यूज जो राज्य के हित में होंगे सरकार को स्वागत रूप में आएंगे, लेकिन टोटली पॉलिटिकल भाषण देकर उन्होंने इतिश्री की है और अपने कार्यकर्ताओं को भी वो सीख नहीं दे पाए जो उनको यहाँ पर देनी चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा अगर प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हों कि बीजेपी के पास नेतृत्व नहीं थे, हमारा नेतृत्व ले जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार से उनकी हताशा बोल रही सच्चाई है कि उनको जो उनके अंदर उनके दल में जो नेता हैं उनको लगने लग गया कांग्रेस के अंदर ना नेतृत्व है, ना मुद्दे, ना इश्यूज हैं और ना उन्हें सरकार चलानी आती है। यही कारण है कि सब जगह से सरकारें टूट रही है और उसी आधार पर सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आपके लिए इस पॉलिटिकल कार्यक्रम का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं? बिल्कुल नहीं, हम उसको बहुत उस रूप में लेते भी नहीं है। हमको पहले से पता था कि जिनको यही नहीं पता कि 11,700 से ऊपर बूथ हो गए हैं और वो आज भी 10,000 बूथों की चर्चा कर रहे हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि संगठन का व्यवहार, उनका आधार किस प्रकार का, और कल के दृश्य में हमको देखने को मिला। चार पूर्व विधायक अपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराए, उनमें तीन तो खैर घर वापसी बता रहे हैं अपनी, लेकिन चारों विधायक रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, तो अभी क्या ये भर्ती अभियान अभी चालू रखेंगे? नहीं नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आज मोदी जी के कार्य को देखते हुए, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जुड़ना चाहते हैं और इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि जनता का दबाव भी अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर रहता है। जब विकास कार्य अच्छे हो रहे होते हैं तो हर पब्लिक का प्रेशर नेताओं पर होता है और उनको लगता है कि आज मोदी जी के साथ खड़ा होना है। यही कारण है बड़ी संख्या में कल भी ज्वाइनिंग हुई है। इससे पूर्व में हमारी जो आम आदमी पार्टी के अनेकों पूर्व पदाधिकारी थे हमसे जुड़े और हर हफ्ते या 10 दिन के अंदर हमारे कार्यक्रम रहते हैं। अगली बार कुछ और बड़े नाम आप सबके सम्मुख होंगे। कौन और प्रमुख लोग आपके संपर्क में हैं जो आना चाहते? देखिए, नाम खोलना ठीक, बड़ी संख्या में मैं कह सकता हूँ कि अब तो मुझे बताते हुए खुशी है कि सीटिंग MLAs भी कुछ दलों के वो हमारे संपर्क में है, तो क्योंकि केंद्र से अनुमति लेनी होती है, हम जिस हिसाब से वार्ता करने के बाद बहुत जल्दी उस सूची को भी आपके सम्मुख रखेंगे। एक चीज जो लोकसभा चुनाव से पहले होती है वो प्रक्रिया में होती है और सामान्य चीजें हैं, सब चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपने पिछली बार भी जिक्र किया था, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने यौवन पे है पूरे देश में तो सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कितने लोगों ने अपनी ख्वाहिश लिखित या मौखिक आपको जाहिर की? जब मैंने कहा ना, जब दल जीतने की स्थिति में होता है तो बहुत से कार्यकर्ता की अपेक्षा रहती है कि पार्टी में उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले लोकसभा में, तो मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में नाम आए हैं और मेरे को चाहे लिखित में दे रहा हूँ चाहे मौखिक बोल रहा हूँ, हम उन नामों को केंद्र नेतृत्व को देंगे। अंततोगत्व केंद्र नेतृत्व जिस व्यक्ति को भी घोषित करेगा वही उसको जिताने में सब कार्यकर्ता लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है और उस अनुशासन के आधार पर सब कार्य ठीक है कि बड़े दल के अंदर महत्वाकांक्षाएं और आगे बढ़ने का सब कार्यकर्ताओं का एक लक्ष्य रहता है। नाम नहीं पूछ रहा हूँ भट्टी, मैं तो संख्या पूछ रहा हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जो आपके संपर्क में, आपसे आग्रह किया कि आप हमें मौका दीजिए? प्रत्येक लोकसभा 5 से 7 लोग हैं अभी तक, अधिकतर लोग 5 से 7 प्रत्याशी हमारे लोकसभा में नाम आ रहे हैं। धन्यवाद। कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के देहरादून से।